मैग्नीशियम यूरियाटिका, क्लोराइड ऑफ मैग्नीशिया, MgCl, स्पेशली अडाप्टेड टू डिजीजेज ऑफ वुमेन। मैग्म्यूर जनरली वुमेन की डिजीजेज के लिए अडाप्टेड है। स्पाजमोडिक एंड हिस्टेरिकल कंप्लेंट्स, जिनमें कंप्लेंट्स जनरली स्पाजमोडिक यानी जिनमें मसल्स का ऐंठन मरोड़ होता है, या फिर हिस्टेरिकल कंप्लेंट्स हैं। हिस्टेरिकल कहने का मतलब वाइल्ड अनकंट्रोल्ड इमोशनल स्टेट है, जिसमें फीमेल अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाती। कॉम्प्लिकेटेड विद यूट्राइन डिजीजेज, और इसमें यूट्राइन डिजीजेज के साथ कॉम्प्लिकेशंस हों। हु हैव सफर्ड फॉर ईयर्स फ्रॉम अटैक्स ऑफ इंडाइजेशन और बिलियसनेस, ऐसी फीमेल्स जिन्होंने लंबे समय तक इंडाइजेशन या बिलियसनेस की वजह से सफ़र किया हो। बिलियसनेस कहने का मतलब इंडाइजेशन, उसके साथ साथ नाउजिया वॉमिटिंग की स्टेट आ रही है। चिल्ड्रेन ड्यूरिंग डिफिकल्ट डेंटिशन आर अनेबल टू डाइजेस्ट मिल्क, बच्चे जिनमें दांत निकलते समय दिक्कतें होती हैं, दांत निकलते समय की जो भी दिक्कतें हैं उसके साथ साथ वो मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इट कॉजेज पेन इन स्टमक एंड पासिस अनडाइजेस्टेड। सो मिल्क जो है वो स्टमक में पेन कॉज कर रहा है और अनडाइजेस्टेड पास हो जाता है। प्यूनी रेकाइटिक हु क्रेव स्वीट्स, ऐसे बच्चे जो प्यूनी कहने का मतलब वीक चिल्ड्रेन हैं, रेकाइटिक मतलब जिनमें रिकेट्स होने की टेंडेंसी है, विटामिन डी डिफिशेंसी है, दुबले पतले हैं और मीठा खाने की टेंडेंसी है। ग्रेट सेंसिटिवनेस टू नॉइज़, नॉइज़ के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस देखने को मिलती है इसमें। ऐसा ही आपको इग्निशिया में, नक्स में और थेरिडियम में देखने को मिलता है। हेडेक every 6 weeks, हर एक 6 हफ्ते बाद जो है वो हेडेक रिपीट होता है। इन फोरहेड एंड अराउंड द आइज़, फोरहेड में हेडेक होता है और आँखों के चारों तरफ होता है। एज इफ इट वुड बर्स्ट, हेड में ऐसी फीलिंग आती है जैसे सिर फट जाएगा। एग्रवेशन फ्रॉम मोशन एंड इन ओपन एयर, मोशन से एग्रवेशन होता है, ओपन एयर में एग्रवेशन होता है। एम्लूरिएशन फ्रॉम लाइंग डाउन, स्ट्रॉन्ग प्रेशर, तो लेट जाने से जो है वो आराम मिल जाता है हेडेक में। स्ट्रॉन्ग प्रेशर अप्लाई करने से आराम मिलता है, स्ट्रॉन्ग प्रेशर से एम्लूरिएशन पल्सेटिला में भी है। एंड रैपिंग ऑफ वार्मली, अच्छे से अगर लपेट लेते हैं उसको, सिर को बांध लेते हैं तो आराम हो जाता है। ऐसा ही साइलिसिया में और स्ट्रॉन्टिया में भी देखने को मिलता है। ग्रेट टेंडेंसी ऑफ हेड टू स्वेट, सिर पे बहुत ज़्यादा जो है वो पसीना आता है, स्वेटिंग होती है। ऐसा कैल्केरिया में, सेनिकुला और साइलिसिया में भी देखने को मिलता है। कंटिन्यूअल रेजिंग ऑफ वाइट फ्रॉथ इन माउथ, मुंह में लगातार सफ़ेद झाग बनता रहता है। इरेक्टेशंस टेस्टिंग लाइक रॉटेन एग्स, इरेक्टेशन होते हैं, डकार आती है और उसका टेस्ट जो है वो रॉटेन एग, सड़े अंडे जैसा होता है। इरेक्टेशंस लाइक ऑनियंस, प्याज के जैसा इरेक्टेशन होना। ब्रेथ स्मेल्स ऑफ अनियंस, सांस में जो है वो अनियंस की बदबू आती है। ऐसा एक और मेडिसिन में है, सिनेपी सिनेपिस निग्रा में। टूथेक अनबियरेबल व्हेन फूड टचेज द टीथ, दांतों में दर्द होता है और भोजन जैसे ही दांतों को टच करेगा तो दर्द जो है वो असहनीय हो जाता है। प्रेसिंग पेन इन लिवर, लिवर में प्रेसिंग पेन होता है व्हेन वॉकिंग एंड टचिंग इट, चलते समय या लिवर को छूते समय बाहर से। लिवर हार्ड एनलार्ज्ड, लिवर कैसा होता है, हार्ड होता है, एनलार्ज्ड होता है। एग्रवेशन लाइंग ऑन राइट साइड, राइट साइड में लेटने से दिक्कतें बढ़ती हैं। ऐसा मरकरी में भी और कालिकार में भी देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन स्टूल हार्ड स्कैंटी लार्ज नॉटी लाइक सीप्स डंग, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। स्टूल कैसा है, हार्ड है, स्कैंटी मतलब कम होता है, लार्ज बड़े टुकड़ों में पास होता है, नॉटी मतलब जिसमें गांठ पड़ जाती है जैसे सीप के डंग जैसा, तो गोल गोल ब्लैक बॉल्स जैसा पास होता है। डिफिकल्टी टू पास, स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्रम्बलिंग एट वर्ज ऑफ एनस, एनस का जो वर्ज है यानी उसकी जो किनारी है वहाँ पर स्किन जो है वो ब्रेक हो जाती है। तो ऐसा अमोनियम म्यूर और नाइट्रम म्यूर में भी देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन ऑफ इन्फेंट्स ड्यूरिंग डेंटिशन, दांत निकलते समय जो इन्फेंट्स में कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए भी मैग्म्यूर इंडिकेटेड है। यूरिन पेल येलो कैन ओनली बी पास्ड बाई बियरिंग डाउन विद एबडोमिनल मसल्स, वीकनेस ऑफ ब्लैडर। सो यूरिन कैसा होता है, पेल है, येलो है और इसको पास करने के लिए एबडोमिनल मसल्स से ताकत लगानी पड़ती है। क्यों, क्योंकि ब्लैडर की वीकनेस देखने को मिलती है। मेंसेस विद ग्रेट एक्साइटमेंट एट एवरी स्पीड, फ्लो ब्लैक क्लॉटेड स्पाज्म्स एंड पेन्स। सो मेंसेस बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ आता है। फ्लो कैसा होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो ब्लैक
क्लॉटेड स्पाज्म सैंठन होती है, दर्द होता है। एग्रवेशन इन बैक व्हेन वॉकिंग, चलते समय बैक में एग्रवेशन होता है, बैक पेन होता है। एक्सटेंड टू इन टू थाइज, जो पेन है वो बैक से थाइज की तरफ जाता है। मेट्रोरेजिया, मेट्रोरेजिया क्या है? इरेगुलर मेंसेस हैं, जो जो मेंस्ट्रुअल डेट है पिछला मंथ और जो नेक्स्ट मंथ है उसके बीच में कहीं मेंसेस आ जाएगा, एबनॉर्मल ब्लीडिंग चलती रहेगी। एग्रेवेशन एट नाइट इन बेड, रात के समय पे जो है एग्रेवेशन देखने को मिलता है, कॉजिंग हिस्टीरिया, जिसकी वजह से वो इमोशनल कंट्रोल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा ही एक्टिया में और कॉलोफाइलम में भी देखने को मिलता है। ल्यूकोरिया आफ्टर एक्सरसाइज विद एवरी स्टूल, ल्यूकोरिया एक्सरसाइज के बाद हर एक स्टूल के बाद, विद यूट्राइन स्पाज्म के साथ ल्यूकोरिया आता है, फॉलोड बाई मेट्रोरिजिया, और इसके बाद जो है वो इरेगुलर मेंसेस या कह लीजिए अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो जाती है यूट्रस से। ल्यूकोरिया 2 वीक्स आफ्टर मेंसेस फॉर 3 और 4 डेज, ल्यूकोरिया कब होता है? मेंसेस के 2 हफ्ते बाद, 3 या 4 दिन के लिए। ऐसे ही बेराइटा में, बुविस्टा में और कोनिया में भी देखने को मिलता है। पल्पिटेशन एंड कार्डियक पेन्स वाइल सिटिंग, बैठते समय पल्पिटेशन होता है, कार्डियक पेन्स फील होते हैं। एग्रवेशन बाई मूविंग अबाउट, चलने फिरने से जो है वो एग्रवेशन होता है। यहाँ पर कंपैरिजन दिया गया जलसीमियम के साथ। जलसीमियम में क्या है? फियर्स दैट अनलेस ऑन द मूव हार्ट विल सीज बीटिंग। सो जलसीमियम में ऐसा फील होता है कि जब तक वो चलेगा, अगर वो नहीं चलेगा तो हार्ट भी रुक जाएगा, उसको ऐसी फीलिंग आती है कि वो चलेगा तो हार्ट चलेगा। फियर इट वुड सीज बीटिंग इफ सी मूव्ड, डिजिटलिज्म इसका उल्टा है। डिजिटलिज्म में ऐसा फील होता है कि अगर वो मूव करेगा, पेशेंट मूव करेगा, तो हार्ट जो है वो बीट करना बंद कर देगा। रिलेशंस की बात करें तो यहाँ पर कंपेयर किया जाता है कैमोमिला से इन डिजीजेज ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की बीमारियों में कैमोमिला से कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन है आपके पास, कैमोमिला में चिल्ड्रेन न्यू बॉर्न एंड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डेंटिशन, ऐसे बच्चे जनरली न्यू बॉर्न्स डेंटिशन के पीरियड की दिक्कतें। अब बच्चे का नेचर कैसा होता है? यहाँ पर पीवीस इरिटेबल ओवर सेंसिटिव टू पेन, बच्चा जो है पीवीस है, जो रोते रहते हैं, इरिटेबल इरिटेटेड है और पेन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव है। ड्रिवन टू डेस्पेयर, होपलेस होने की टेंडेंसी हो जाती है, ऐसा कॉफी में देखने को मिलता है। स्नैपिस, जो एक मतलब अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं, एक पल में खुश एक पल में नाराज। कैन नॉट रिटर्न अ सिविल आंसर, जो ढंग से बिहेव नहीं करता, सही से उत्तर नहीं दे सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, कमेंट द टॉपिक्स यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज ऑन होम्योपैथी।